कि ये स्ट्रगल भगवान ने मुझे परिवार में जो कराना था करा दिया। परिवार मुझे यहाँ इसलिए लाया था कि मेरी गलतफहमी दूर हो जाए, लेकिन मेरे भाई को पिताजी उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब का शिष्य बनाना चाहते थे और उनसे वो मिलने गए। और वो तबला सीखना चाहता था और बहुत खूबसूरत तबला बजाता था, उतनी छोटी उम्र में, मेरे से छोटा है वो। खान साहब ने उसे सुना और अपनी शागिर्दी में भी लिया। मेरे पिता को बहुत स्नेह दिया, बड़ा प्यार दिया। तो उन्होंने कहा बाय चांस, उन्होंने कहा खान साहब इसको कीड़ा है गाने का, ज़रा इसकी वॉइस सुनिए और इसे कुछ ज्ञान दीजिए, मतलब कुछ आई ओपनर दे मुझे ताकि मैं भाग जाऊं। मेरी वॉइस सुनी, फिर कहा यार ये तो वॉइस बनी ही फिल्म के लिए है, ये तू क्या कर रहा है, उसको क्यों रोक रहा है। एक काम करो, उन्होंने सजेस्ट किया उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद रईस खान साहब के पास लेके जाओ, उनका कनेक्शन रहता है। चले गए, उन्होंने मुझे सुना तो वो मुझको मतलब इस तरह देख रहे थे जैसे आठवां आश्चर्य देख रहे हो, मैं कोई एर्थ वंडर आ गई हूँ। मैं डर गई कि क्या पता मैंने बहुत गंदा गाया होगा या गुस्से तो नहीं हो गए। उन्होंने फिर कुछ अपना सितार लेके बैठ गया और फिर अपनी कुछ कंपोजिशंस मुझे कहा कि ये गा, तो जैसा उन्होंने बताया मैंने गा दिया। तो उनके यहाँ एक ग्रेट अपने जो कव्वालों में उनका बहुत बड़ा नाम था अजीज नाज़िम साहब, तो उनके मित्र थे, आते जाते रहते थे। और रईस खान साहब रिकॉर्डिंग्स वगैरह में बजाते थे, मतलब उस वक्त के जो स्टेज या वर्ल्ड फेम लोग थे वो भी रिकॉर्डिंग में बजाया करते थे। हमारी इंडस्ट्री इतनी रिच थी, सिर्फ कीबोर्ड में सितार नहीं मिलती थी, वाकई गुणी लोग बजाते थे। आदरणीय हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार जी, ऐसे ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री में एज ए प्लेयर रिकॉर्डिंग में बजाते थे। तो इन्होंने मुझे कहीं सजेस्ट कर दिया और कहा कि ठीक है पंडित जी, इस बच्ची को लेके आ, ये अमुक जगह पर इस एड्रेस पे चले जाओ और उनको सुनाओ। हम चले गए, उनको सुनाया, आए। आने के बाद मालूम पड़ा वो नौशाद साहब थे। और ये सब 15 दिन के अंदर हुआ। और रिटर्न टिकट कैंसिल, पिताजी को अकेले कलकत्ते जाना पड़ा और उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब और उनके सब प्यारे प्यारे बेटी बेटे सभी एक से बढ़कर एक, जिसमें जाकिर हुसैन इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, उनका कंपैशन, उनका कंसर्न का क्या कहना। और उन्होंने हमारे लिए, उस परिवार ने हमारी मदद की और वहीं जहाँ वो लोग रहते थे वहीं एक छोटा सा मकान हमारे लिए अरेंज करके दिया। वो जो साया उनका पहला मेरा मेरे परिवार पे पड़ा, जो छत हमको नसीब हुई, तो आरती दरो दीवार बदलते गए लेकिन छत आज भी वही है।
क्योंकि वो पहला आसरा था और वो मेहरबान नजरें, वो मेहरबान सोच, वो आज देखने को नहीं मिलती। कमर्शियल लोग पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन डेलॉस बगैर किसी, ये लोग सब ग्रेट लोग हैं। रोज जाकिर हुसैन साहब आते जाते में बाहर खिड़की से कहते थे, मोहतरमा सलाम अलैकुम, आप ठीक तो हैं, आप लोग सब ठीक तो हैं, पंडित जी कैसे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, अगर हो तो हम लोग हैं, भूलना नहीं। आज भी मैं सोचती हूँ तो आंखें भर आती हैं। और काम के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। जब दूसरे दिन नौशाद साहब ने बुलाया था तो उन्होंने एग्रीमेंट की बात की, पिताजी ने हाँ कह दिया, भाई 5 साल बॉन्ड में रहेगी, सीखेगी, और क्या चाहिए, थैंक गॉड कम से कम 5 साल तो नहीं गएगी। एंड ही वेंट टू कैलकटा। हम भाई बहन माँ हम लोग यहाँ थे, लेकिन मेरे मीडिया के भाई बहन, वो लोग तो अंतर्यामी लोग थे या आज अंतर्यामी है, कैसे पता चल जाता है, आप लोगों को पता नहीं। पता लगा दूसरे दिन अखबार में आ रहा है, नौशाद की नई देन हेमलता जी, हंगामा, एक जंगल की आग की तरह। और उस वक्त इतने लोग नहीं आ, परिंदा पर नहीं मार सकता था। भारत के संगीत के क्षेत्र में इंडस्ट्रीज, म्यूजिक वर्ल्ड वॉज नॉट सो ईजी, इट वॉज सो टफ, सो टफ, सो टफ के लोग कहते थे असंभव है। लेकिन क्या होता है कि जब ऐसे ग्रेट लोग इतना बड़ा नाम जब आपके नाम के साथ जुड़ जाता है, तो मैं तो बैठे बैठे ही बड़ी हो गई। अगला चल के आके कह रहा है कि आप ठीक है, नौशाद साहब हमारे लिए भी पूजनीय है, हम उनके एग्रीमेंट के लिए कुछ नहीं कहते, लेकिन वॉइस तो सुना दो। और हमारी इतनी हैसियत या औकात नहीं थी कि हम उनको ना कह सके, वी वर टू स्मॉल टू से दम नाउ, तो चोरी छुपे किसी को आवाज सुना दी, एक गाना गा के सुना दिया, सुन के अरे बाप रे, यही होता था। तब एक बार हमने सोचा गाना सुनाने के लिए बुलाया है, हमको क्या मालूम कि तारदेव फेमस लैब किस चिड़िया का नाम है, हम तो घर समझ के चले गए, लेकिन वहां स्टूडियो, तो डर के मारे भाग गए। ने कहा टैक्सी घुमाओ, टैक्सी के भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन कि नहीं भाई हम एग्रीमेंट। लेकिन जब मालूम पड़ा कि टेक पर नहीं जाने के कितने नुकसान होते, वो गाना दीदी के साथ था, डुएट था, और राष्ट्रीय प्रोडक्शन का था, फिल्म थी तकदीर, पप्पा जल्दी आ जाना, हम तो भाग आए। लेकिन बाद में हमको नौशाद साहब के असिस्टेंट मोहम्मद शफी साहब, उन्होंने बड़ा डांटा, क्या आपको पता है कितना नुकसान होता है, ओवर टाइम होता है, इतने 150 म्यूजिशियंस, और उनके यहाँ तो बहुत म्यूजिशियंस आते हैं,
तो उन सब का ओवर टाइम लगता है, स्टूडियो चार्जेस लगते हैं, प्रोड्यूसर को नुकसान हो जाता है, ये हो जाता है, लता दीदी 1.5 घंटे बैठी रही आपके लिए, पूरी इंडस्ट्री में बात गर्म है, ये क्या आप पागलपन कर रहे हो, किसने कहा था वहाँ जाने के लिए, ऐसा करके खूब डांट पड़ गई। तो हम डरे हुए गिल्टी लक्ष्मी जी के म्यूज़िक रूम में पहुँच गए माफ़ी मांगने के लिए, बिल्कुल कि भाई हमें नहीं मालूम था, लेकिन ज़बान से कुछ निकल ही नहीं रहा, बस खड़े हो गए। और सॉरी इतनी पॉपुलर वर्ड नहीं था तब, आजकल सॉरी बहुत कॉमन है, लेकिन पहले नहीं था। पहले वाकई शब्द नहीं मिलते थे कि भूल हो गई तो क्या कहें। ही सो ग्रेट के उनकी सिटिंग हो गई, वो उठकर उन्हें टेक पे जाना था, वो मेरे पिताजी के कंधे पर उन्होंने हाथ रखा और कहा पंडित जी मैं सब समझता हूँ, मुझे मालूम है आप नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि 5 साल बाद जब इस एग्रीमेंट से आपकी बेटी बाहर निकलेगी, तब आप कौन सी इंडस्ट्री में उसे गाना गवाएंगे, क्योंकि तब तक तो आप इस इंडस्ट्री को नाराज कर चुके होंगे, आप सबको लौटा रहे हैं और चले गए। और मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, आप चिंता ना करें, बाबा घर तो आ गए, रात भर सोए नहीं, सोचते रहे। और सुबह जो पहला मैसेज, क्योंकि एवरी डे मुझे सामने से चलकर काम आ रहा था। और हाँ एक बात और बताना चाहूंगी, मेरे से मिस ना हो जाए, इस बॉम्बे में जब आए थे हमारी कोई पहचान कुछ नहीं, ना पिताजी का इरादा था, लेकिन बाय चांस जबलपुर एक शहर है जहाँ मेरे पिता के एक मित्र थे वीडी भार्गव, शायद वो वहाँ के बैरिस्टर साहब थे, उनको मेरा वॉइस सुनाया और कहा ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने एक लेटर दिया था उस वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पीएल संतोषी जी के नाम से, बस वो एक लेटर ही हमारे लिए कोई परिचय, जो आपने पूछा ना कि आपने कैसे, तो वो लेकर हम उनके घर गए थे और उन्होंने वो लेटर देखा, बड़ी इज्जत से बिठाया और एक गाने की कुछ लाइनें सुनी और टेलीफोन किया, एक कहा मेरी फिल्म मैं बना रहा हूँ लेकिन उसको वक्त है, शायद कुछ फाइनेंस का अरेंजमेंट वगैरह हो रहा था उनका, तो बोले उसको थोड़ा वक्त है लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ आप इस एड्रेस पे चले जाइए। और जहाँ हम गए तो वो थी उषा खन्ना जी, तो यहाँ से भी एक खबर लिंक होके नौशाद साहब तक गई थी, तो उन्होंने फौरन एग्रीमेंट में बांध दी। लेकिन जब ये दो चीज़ें, उधर उषा जी का भी काम आ गया हमारे पास, इधर क्योंकि काफ़ी दिनों बाद उन्होंने ये रिस्पॉन्ड किया, तब बाबूजी ने रात भर सोचा, सुबह उषा जी का गाना पहली शिफ्ट में और 4 बजे की शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट होती थी सेम स्टूडियो, कल्याण जी भाई आनंद जी भाई का गाना, फिल्म थी विश्वास ले चल मेरे जीवन साथी, और पहला गाना एक फूल एक भूल 10 पैसे में राम ले लो। तो इस तरह एक तरफ पीएल संतोषी साहब मेरे गॉडफादर बने और नौशा साहब का जो एग्रीमेंट है उसको तोड़ना या डिसऑनर जैसा शब्द आज भी हमारी हिम्मत नहीं है, लेकिन
मैंने, मेरे पिता ने, मैं तो इस पोजिशन में ही नहीं थी कि कोई फैसला कर सकूं, लेकिन उन्होंने भी बहुत रोकर उसे डिसऑबे किया, उसकी अवज्ञा करनी पड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमारे सामने थी और हम बहुत छोटे थे। हमें तो सबके लिए गाना था। लक्ष्मी जी ने एक शब्द और भी कहा कि ये वो इंडस्ट्री है जहाँ लता जी जैसी ग्रेट सिंगर ने चप्पलें तोड़ी हैं, तो आपकी बिटिया को तो ट्रेन में करियर मिल गया है और आप सबको ना कर रहे हैं। सो दैट दूसरी जो सुबह है, तो इसमें एक लक्ष्मी जी का कितना बड़ा हाथ है, आप सोचिए कि उन्होंने ये मतलब सोए हुए को जगाया। बाद में नौशाद साहब ने गले लगा ही लिया मुझे जब मैं परमंदा का गाना गाई, तो उन्होंने, यहाँ इंडस्ट्री में कोई नाराज नहीं रहता।